Hi everyone, my name is Priya. Welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are well. So आज मैं शूट कर रही हूँ ऋषिकेश का एपिसोड 2. इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऋषिकेश का राम झूला, लक्ष्मण झूला और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी त्रिवेणी घाट. त्रिवेणी घाट में जो रात में आरती होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी ऋषिकेश का लोकल मार्केट. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. लेट्स गो. अभी मैं हूँ गंगा किनारे एक घाट के पास और यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा चल रही है. मेरी आंखों में जो है पूरी रेत चल चुकी है, लिटरली मतलब बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है और लोग जो है सुबह सुबह यहाँ पर योगा कर रहे हैं गंगा किनारे. तो मैं भी ट्राई करूंगी. मजा आ रहा है यार. दिखाई दे रही हूँ आपको, आई थिंक मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ आपको. तो ये झूला जो है बहुत हिल रहा है और मुझे जो है डर लग रहा है बहुत ज़्यादा पर जो हवा चल रही है. सो गाइज, लक्ष्मण झूला की जस्ट सामने यहाँ पर है कुल्लड़ वाली चाय. तो अभी मैं चाय पीने वाली हूँ क्योंकि लक्ष्मण झूला में रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है. तो भैया आप एक चाय लगा दीजिए. सो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश के फेमस कैफे में, फ्रीडम कैफे. चलिए यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है. बहुत ही फेमस कैफ़े है ये, मैंने देखा है, मतलब मैंने सुना है. तो इसका व्यू आप देख सकते हैं, फ्रीडम कैफ़े का ये लोकेशन है यहाँ की.
सो ये है फ्रीडम कैफे। यहाँ से जो व्यू है बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है लिटरली, मतलब गोवा बीच वाली नहीं होती जैसे गोवा में होता है। ऑर्डर करा था पराठा, दही, अचार और साथ में मसाला टी। सो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ राम झूला। इससे पहले मैंने आपको दिखाया लक्ष्मण झूला और ये है आपका राम झूला। चलिए अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ राम झूला। भी ऐसे ही दिखता है, बट ये है कि लक्ष्मण झूला में आप गाड़ी नहीं ले जा सकते हो अपना टू व्हीलर, और राम झूला में आप अपनी टू व्हीलर ले जा सकते हैं, और ये फायदा है आपका। और यहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये है गोवा बीच। अगर आप आते हैं तो आप इधर जा सकते हैं। पुल से नीचे देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर, वो भयंकर। सो जब आप पुल से नीचे झांकोगे तो गाइस, तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी मछली है इसके अंदर। आते हो तो नीचे एक बार झांक के देखना, बहुत सही आपको लगेगा, दिखेगा पूरा प्रॉपर। वीडियो में नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया। ये टिक्की बन रही है अभी, छोटे छोटे इयररिंग्स जो की है 10 रुपए के, और ऐसे आई थिंक मैं स्कूल में पहना करती थी जब मैं स्कूल में थी। तो ये देख सकते हैं मालाएं, और ये माला है, ये ब्रेसलेट है, ये भी ब्रेसलेट है, ये भी ब्रेसलेट है, ये ओम वाले रुद्राक्ष वाले ये। सो गाइज आप देख सकते हैं मुझे क्या मिला, ये वुडन पैन जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। स्वीट पोटैटो, और हिंदी में इसे बोलते हैं कचालू आई थिंक। और ये भैया ने यहाँ पर उबाल के रखे हैं। लोकल मार्केट में ऐसे आपको हैंडक्राफ्ट मिलेंगे, बैग वगैरह। ये है सिकंजी की स्टॉल। ओह माय गॉड गाइस, ये देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं मुझे क्या फ्रूट मिला है, इसका नाम है चकोतरा। आप नॉर्मल और नमक के साथ भी इसे खा सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी होता है गाइस। तो अभी हम पीने वाले हैं गन्ने का जूस। बजने वाले हैं और आरती स्टार्ट होने वाली है, आप क्राउड देख सकते हैं।
देखिए त्रिवेणी घाट में जो गंगा आरती होती है, तो अभी गंगा आरती हो चुकी है। सो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आरती अटेंड करने के बाद। सो हे एवरीवन, आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।